कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता ने मन बना लिया है मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे और 400 प्लस होंगे 400 प्लस, पर इनका राहुल पाहुल का कोई वोट हो नहीं सकता। तो भाइयों भाई हमारे कैंडिडेट की बात भाई चाह रहा है, शायद कई बार हम पुरानी बातें याद नहीं करना चाहते, लेकिन मैं उस दौर को भी याद करवाना चाहता हूं जो 2014 से पहले का दौर था। साइकिल का टायर लगा तो झगड़ा, रेहड़ी पे केला खरीदा तो झगड़ा, दुकानदार के पास गए तो झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे 5 से 10 हजार लोग इकट्ठा हो जाते थे, बाजार बंद, थाने का घेराव, अपराधी थाना चलाते थे, जनपद मुजफ्फरनगर की कहानी है। और आज चारों तरफ शांति ही शांति। अभी खालापार से गुजरा था 4-5 दिन पहले, कुछ लोग मिले, भारतीय जनता पार्टी को वोट कम मिलती है वहां पे, मुझे रोका, मैंने कहा क्या बात भाई, कहना जी खालापार में शांति होगी। मैंने कहा भाई खुश हो, कहना जी 99% भले लोग थे, 1% बुरे थे, बुरों का इलाज योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, 99% बिल्कुल शांति में और प्यार मोहब्बत में है, चाहे किसी कस्बे की कहानी हो चारों तरफ शांति है। बस मैं आज ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता, मेरी दीदी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई है, जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है, मैं जब से राजनीति में हूँ इतना प्यार मुझे किसी ने नहीं दिया, मेरे परिवार में भी। मैं सच बताता हूँ दीदी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक समुद्र से लगे हुए मीठे पानी की धारा है नीचे नीचे, वो कैसे, यानी प्रकृति ने, भारत की प्रकृति ने हमें सब प्रदान किया हुआ है, लेकिन हमें उसे संभालना नहीं आया। सबको मौका मिला, कांग्रेस को बहुत लंबा मौका मिला, उनको तो इतना बड़ा मौका मिला, लगभग इन पूरे सालों में से उन्हें लगभग निछक्के राज करने के लिए 55 साल तो पूरे मिले, अगर हम नरसिंहा राव की सरकार का कोलिशन का समय निकाल दें। ये लोग कुछ नहीं कर सके और अब ये कहते हैं गरीबी क्यों है, ये कहते हैं बेरोजगारी क्यों है, तो मेरे को इनसे ये कहना है कि आप बताओ कि गरीबी क्यों, हम थोड़े बताएंगे आपको, आप हमें बताओ कि गरीबी क्यों है। ये कहते हैं कि चौकीदार तो गरीबों के नहीं होते, चौकीदार तो अमीरों के होते हैं। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ, इस पूरे खानदान की ये कमी है। राजीव गांधी भी पहले एक बार बोल पड़े थे कि चिंता मत करिए, मैं बहुत सारे पेड़ खोद दूंगा और बहुत सारे कुएं लगा दूंगा। इसलिए ये शुरू से ही इस परिवार को समझ नहीं है कि गांव में चौकीदार होता है और पूरे गांव का एक चौकीदार होता है, और वो इस बात के लिए होता है कि कोई चोर चोरी ना कर पावे, और पूरा गांव उसको थोड़ा थोड़ा अपने उपज का हिस्सा देता था उस चौकीदार को, और उसी से उसका घर चलता है, और वो चौकीदार पूरी रात लाठी ठकठकाता रहता है, और गांव में कोई घटना हो जाए तो थाने में सूचना देना उसी चौकीदार का काम होता है, कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल को सूचना देना उसी चौकीदार का काम होता है। लेकिन बेचारे इन लोगों को पता तो हो कि हिंदुस्तान में गांव भी है, इन्हें ये पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में गांव भी है और गांव में चौकीदार की व्यवस्था होती है, और वो व्यवस्था गरीब लोगों के लिए ही होती है, वो व्यवस्था लोगों को अन्याय से बचाने के लिए ही होती है। हम वो चौकीदार हैं, हम बड़े बड़े मकानों के चौकीदार नहीं हैं, हम गरीब लोगों के चौकीदार हैं कि गरीबों के हितों को कोई लूट नहीं पाएगा, गरीबों के ऊपर गांव के ऊपर कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, हम वो चौकीदार हैं। और इसलिए आज पूरे समय पर हिंदुस्तान में अब यह लोकसभा के चुनाव की लहर आई है, मोदी जी को कैसी कैसी गालियाँ झेलनी पड़ रही हैं, हमारी सेना के लोगों को भी कैसी कैसी गालियाँ झेलनी पड़ रही हैं। भारत की सेना वो सेना है जिस पर कभी आरोप नहीं लग सका। आपको याद होगा जब बांग्लादेश को लेकर के भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय पर बांग्लादेश की महिलाओं को पाकिस्तान की सेना ने अपने बंकरों में रखा हुआ था और हजारों महिलाएं रखी थी। हमारे जो मीडिया के भाई लोग खड़े हैं तो इसमें से कई लोग उसमें पैदा नहीं हुए होंगे, मैं भी 9-10 साल की थी, लेकिन उस समय का इतिहास आप उठाओ, मैं माताओं बहनों को कहूंगी कि आप उस समय का भारत की सेना का चरित्र देखो, हजारों महिलाओं को, बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाओं को ही वहां के मुस्लिम सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने बंकरों में रखा हुआ था, और उनको कपड़े नहीं दिए गए थे पहनने के लिए, वो नग्न रहती थी पूरे समय, उनको थोड़ा सा भोजन देते थे ताकि वो जिंदा रहीं। जब भारत की सेनाओं ने बांग्लादेश की धरती पर कब्जा किया और बांग्लादेश से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा,
और उस समय पर जब भारत की सेना ने उन बंकरों में कब्जे किए और बंकरों से जब लड़कियां निकली, जवान महिलाएं निकली नग्न बिना कपड़ों के, और वो हमारे देश के जवानों के सामने खड़ी हो गई, उन्हें लगा कि ये भी हमारी इज्जत लूटने आए हैं, तो हमारी सेना ने अपनी वर्दी उतारकर उनके नग्न शरीरों के ऊपर डाली थी और उनको कहा था कि हम पाकिस्तानी सैनिक नहीं हैं, हम भारत के सैनिक आपके भाई हैं, आपकी इज्जत नहीं लूट सकते, आपकी इज्जत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। और फिर उन महिलाओं को ढांक करके बंकरों से बाहर निकाला था, उनके नग्न शरीरों के ऊपर अपनी वर्दी डाल करके उनको बाहर निकाला था। ये भारत की सेना की शान रही है। भारत की सेना, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेज और भारत की जो पुलिस फोर्सेज हैं, इनकी सुविधाएं बहुत कम है। आप कभी इनकी गाड़ियां देखो, आप कभी इनके बूट देखो, आप कभी इनकी ड्रेस देखो, और आप अमेरिका की पुलिस देखो, आप इंग्लैंड की पुलिस देखो, वो इतने स्मार्ट और अप टू डेट होते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मरने मिटने का जो जज्बा हमारी पुलिस में, हमारी सेना में और हमारे अर्धसैनिक बलों में होता है, वो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा।